फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर से लॉजिकल इक्विवेलेंस का बेसिक और उसका ट्रुथ टेबल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल। इफ स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, वर्ड है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, वी राइट इट एज ए इक्विवेलेंट बी, यानी ए और बी का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, उसे हम लॉजिकल इक्विवेलेंस कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें ये एग्जांपल है, ये शो करना है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आता है, हमें ये बताना है ये इक्विवेलेंट है। और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट यूज हुए है पी और क्यू। स्टेटमेंट है हमारे पी क्यू, यानी एन का वैल्यू है टू, पी और क्यू वन टू, टू स्टेटमेंट है यानी एन का वैल्यू टू। तो रो होंगे हमारे, रो का फार्मूला है टू टू द पावर एन। ये हम कितने रो कितने कॉलम लेंगे इक्विवेलेंस बताने के लिए, तो ये फार्मूले के हेल्प से हम रो और कॉलम कैसे बनाना है, कितना लेना है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है। स्टेटमेंट का मतलब पी क्यू आर, यहाँ पे पी और क्यू है, यानी स्टेटमेंट है हमारे पी क्यू, एन का वैल्यू है टू। तो रो का फार्मूला हो गया टू टू द पावर एन, टू एज इट इज, एन का वैल्यू है टू, यानी आंसर आ गया फोर, हमारे रो बनेंगे फोर। और कनेक्टिव कितने हैं, कनेक्टिव मीन्स वो सिंबल जो है कनेक्टिव, जैसे ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये हमारे कनेक्टिव हो गए। तो ये वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फोर सिंबल हो गए, तो कनेक्टिव हो गया हमारा फोर, तो उसे हम एम से डिनोट करेंगे, एम इज इक्वल टू फोर। तो कॉलम का फार्मूला है हमारा, कॉलम इज इक्वल टू एम प्लस एन, एम का वैल्यू है हमारा फोर, एन का वैल्यू है हमारा टू, तो आंसर आ गया हमारा सिक्स, यानी हमारे रो बनेंगे फोर, रो बनेंगे फोर और कॉलम बनेंगे हमारे सिक्स, रो फोर और कॉलम सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे कॉलम है। पहला है पी, सेकंड है क्यू, थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे पी एंड क्यू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट को चांस देंगे, ब्रैकेट में नेगेशन लगा है क्यू को, तो नेगेशन क्यू हो गया, फिर ब्रैकेट लेंगे हम पी, इफ देन का सिंबल, नेगेशन क्यू, और बाद में सारा जो था नेगेशन का साइन है, ब्रैकेट पी सिंगल एरो नेगेशन क्यू। अब हमारे कॉलम तो सिक्स हो गए है, रो है हमारे फोर, यानी टू टाइम्स टी टू टाइम्स एफ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसलिए मैं लाइन कर दूंगी, क्यू में वन टी वन एफ वन टी वन एफ। अब एंड है, एंड का रूल है हमारा टी प्लस टी, अगर टू टाइम्स टी है तो टी रिमेनिंग रिमेनिंग एफ, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते से टू टाइम्स टी है तो टी और सब जगह एफ ले लूंगी। फिर है नेगेशन क्यू, नेगेशन का रूल है हमारा अपोजिट, जैसा ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, वो भी क्यू का नेगेशन, यहाँ टी ऐसा हाथ रखना चाहिए, मैं टी ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। फिर है यहाँ पे सिंगल एरो, सिंगल एरो का रूल है टी एफ अगर है तो एफ रिमेनिंग रिमेनिंग टी टी एफ, मुझे अब ये दो देखना है, उसमें मैं सिर्फ यही देखूंगी टी और एफ, कहाँ टी है और कहाँ एफ, ये टी और एफ, टी एफ का एफ, और कहीं ये टी एफ है क्या, नहीं है, तो फर्स्ट सब जगह मैं टी ले लूंगी। इसके बाद में ये जो हमारा फिफ्थ कॉलम है उसका मुझे नेगेशन करना है, फॉल्स का ट्रू और सब जगह ट्रू है तो सबका आंसर फॉल्स। अब चेक करना है कि दोनों के आंसर सेम आए हैं क्या, कौन सा कॉलम थर्ड और कॉलम सिक्स, कॉलम थर्ड में आंसर हमारा टी और थ्री टाइम्स एफ है और कॉलम सिक्स में भी हमारा टी और थ्री टाइम्स एफ है, ये दोनों के आंसर सेम है, तो मुझे ये सेंटेंस लेना पड़ेगा द एंट्रीज
द एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड 6 आर आइडेंटिकल, एक जैसा है, देयरफॉर ये इक्विवेलेंस है। ये सिंबल देके मैं ये शो करूंगी, ये इक्विवेलेंस है। ओके okay.